नम्रता सिंह गुजराल के निर्देशन में बनी फिल्म फाइव वेडिंग्स एक बॉलीवुड अपकमिंग कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म एक अमेरिकन जर्नलिस्ट के बारे में है जो कि भारत में अपने मैगजीन के लिए आता है। ये मैगजीन भारत के मल्टीपल वेडिंग सेरेमनीज के बारे में है जहाँ पे जर्नलिस्ट को हिजरों के दल से मुलाकात होता है। फिल्म में जर्नलिस्ट के किरदार पर है नरगिस फकरी और जर्नलिस्ट को गाइड करने वाले ऑफिसर के किरदार पर है राजकुमार राव। राजकुमार राव और नरगिस फकरी के अलावा फिल्म के अन्य मुख्य किरदार पर है बो डेरेक, कैंडी क्लार्क, एनेलिस वैन डार पोल और सुखविंदर विकी। फिल्म को 10 मई 2018 को कैननेस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर मिला और भारत में फिल्म को 21 सितंबर 2018 को रिलीज के लिए शेड्यूल किया गया। निर्देश देने के साथ साथ फिल्म के निर्माता भी है नम्रता सिंह गुजराल। फिल्म के ट्रेलर से ही फिल्म की एक बहुत ही अच्छा कॉमेडी फिल्म होने का पता चलता है। अब आते हैं फिल्म की फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की ओर। ट्रेड एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि फिल्म अपने फर्स्ट डे में 3 से 6 करोड़ के बीच कमा लेगी, पर उसी दिन बॉलीवुड की और कई फिल्म रिलीज होगी जो है बत्ती गुल मीटर चालू, मान तो इशिकरिया और काशी इन द सर्च ऑफ गंगा, जिससे फिल्म का फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कड़ी टक्कर होगी। तो दोस्तों, इतने कड़ी टक्कर के बावजूद क्या ये फिल्म हिट हो पाएगी, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बॉलीवुड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। बॉलीवुड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे वेबसाइट bollywoodclassroom.com को जरूर विजिट करें और हमारे साथ फेसबुक और ट्विटर में जुड़े रहें। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे।